यूक्रेन ने कहा किया ड्रोन से हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने बदला लेने के लिए मचाई तबाही, रूस ने पोलैंड पर क्या आरोप लगाए, यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड ने कहा भीषण हमला बोला है, वॉर जोन की विध्वंसक खबरों का अपडेट महायुद्ध टॉप 9 में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, युद्ध का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। जंग के बीच यूक्रेन की 10वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ड्रोन गिराए, जिसमें भारी तबाही की खबर है। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला करते हुए जमकर तबाही मचाई, यूक्रेन के हमले से पूरा इलाका दहल उठा, जिसके बाद चारों ओर धुएं का गुबार नजर आया। यूक्रेनी सैनिकों ने बदला लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूक्रेन जंग के दौरान रूस को लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ड्रोन के जरिए रूसी ठिकानों पर ग्रेनेड गिराए। यूक्रेन के इस हमले में रूस को काफी नुकसान की खबर है। तस्वीरों में रूसी सैनिक ठिकाने के अंदर जाते दिख रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जंग के बीच रूस ने पोलैंड पर आरोप लगाया है कि पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से को हड़पना चाहता है, इसीलिए पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन में एनेक्सेशन की साजिश रच रहा है। पोलैंड पर रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ सरगेई नारिस्किन ने ये आरोप लगाए हैं। नेटो की बैठक के बाद यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को और हथियार की सप्लाई करने का ऐलान किया है। इसी के तहत जर्मनी की ओर से कहा गया है कि वो जल्द ही यूक्रेन को 7 जेपर्ड टैंक्स भेजेगा। बैटलफील्ड में यूक्रेन रूस को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन की 92 ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी ब्रिगेड रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला करती दिख रही है। इस हमले में रॉकेट लॉन्चर के जरिए रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जंग के बीच रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी के भीषण हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। 130mm M46 फील्ड गन से रूसियों पर हमला किया गया। मैकेडोनिया ने ये 130mm M46 फील्ड गन यूक्रेन को दिए हैं, जिनकी बदौलत यूक्रेन कहर बरपा रहा है। यूक्रेन की ओर से DSHP स्ट्राइक्स की 71वीं हंटिंग ब्रिगेड ने यह अटैक किया। इस हमले में जंगल के बीच बने रूसी ठिकानों को बम गिराकर तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस में एक प्लांट में भीषण आग लग गई। ये आग मॉस्को में मीट प्रोसेसिंग प्लांट में लगी। आग लगने के बाद लपटे काफी ऊंची थी और आसमान में धुएं का गुबार दिखा। आग से इस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।